बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड की एंट्री क्या हुई, घर में धमाल बवाल एक साथ हो गया है। जी हाँ, ईशा मालविया के कथित बॉयफ्रेंड और बिग बॉस के घर में वो कहकर भी यही आ रहे हैं कि वो ईशा के बॉयफ्रेंड हैं, समरथ। जी हाँ, जैसे ही वो घर में आए और कहा कि भाई ईशा के जो बॉयफ्रेंड है वो पधार रहे हैं। अब ऐसा सुनते ही अभिषेक अपना सुध-बुध खो बैठे और बेचारे रोने लगे, तड़प तड़प कर रोने लगे। घर वाले उन्हें देखते नजर आए। ईशा ने कहा, भाई तू कहकर क्या आया, तू मेरा बॉयफ्रेंड है? तो समरथ कहते, तो तुझे क्या लगता है, क्या हूँ मैं तेरा? तू एक्सेप्ट नहीं कर रही मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ? और उन दोनों के बीच में यहाँ पर कहा सुनी होती है। इसके बाद अभिषेक रो रहे होते हैं, समरथ बीच में ही आ जाते हैं और कहते हैं, भाई रोना धोना तेरा हो गया, तू मेरी बात सुन ले। तो बस अभिषेक का क्या, उन्हें गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई इस घर में एक ऐसी लड़की मौजूद है जिसकी रियल आइडेंटिटी मैं बताने वाला हूँ, वो है ईशा मालविया। इसके बाद समरथ जो मन में आता है वो कहते नजर आते हैं कि भाई एक नंबर की झूठी शख्सियत है। बस दूसरी बात बोलने से पहले अभिषेक उनकी तरफ चढ़ने लग जाते हैं और दोनों के बीच में एक गंदी लड़ाई होती है। जी हाँ, यहाँ तक समरथ ये भी कहते हैं कि मेरा माथा खराब है, मैं पागल हूँ जो इस झूठी लड़की का साथ दे रहा हूँ, जो ये मानने को तक तैयार नहीं है कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। यानी यहाँ पर गुत्थी कब सुलझेगी? ईशा मालविया किसकी गर्लफ्रेंड है? क्या चक्कर चल रहा है? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी हो, इस ट्रायो की वजह से बिग बॉस 17 को टीआरपी खूब मिल रही है और लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है कि भाई सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। आपके विचार साझा कीजिए हमारे साथ कमेंट सेशन के माध्यम से और बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।